जिनको आप सुनने के लिए, जिनको आप देखने के लिए लाखों की तादाद में एकत्रित हैं, आपके बीच में आ गए हैं। आप अपने स्थान से तालियां बजा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करने का काम करिए। अब मैं ओम प्रकाश यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी एक प्रस्तुति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। हेलो, हमारे बगल में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जितने भी गायक कलाकार हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ये गीत जो आप लोग सुन रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया अखिलेश जी का बहुत पसंदीदा गीत है। और ये गीत नहीं बल्कि एक संदेश है। तो जो जहां है शांति से, शांति से। चलो टेक शुरू करो। साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है धैर्य बनाए रखिए। बैरिकेडिंग के उधर ही आप रुके रहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आप लोग संबोधित करेंगे। इसी के बीच में जो हरौला का ब्लॉक प्रमुख हैं श्री शकील अहमद जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि आए। आज ये बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। कृपया ये हाल मत बिगाड़िए। अरे क्या कर रहे ये? अब मैं निजामाबाद के विधायक जिनकी जमीन पर ये इतनी बड़ा जैन सैलाब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आवे और अपील करें। आदरणीय आलमबदी साहब, आर्थिक फोर्सेस के लोगों से मेरी निवेदन है
फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता हमारे दिल की टुकड़ी है, इसको कोई हार न पहुंचे। पुलिस के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता यहाँ हमारे दिल का टुकड़ा है, इसको कोई हार न पहुंचे। मेरी निवेदन है। क्या क्या बोले मेरे भाइयों, शांत बना लो। पुलिस के लोगों शांत बना लो। मेरे भाइयों शांत बना लो। नहीं टकराव नहीं। हाँ मेरे भाइयों, आदरणीय अध्यक्ष जी और हम सबके, मैं कैसे कहूँ राष्ट्रनायक जननायक पीडीए, मैं यहाँ जितने समाजवादी साथियों से अपील करना चाहता हूँ। डी में रहिए, आप आगे मत जाइए। आप पुलिस के लोगों से मैं कहूंगा डी के अलावा न जाए कहीं भी। डी में खड़े रहे। जो लोग इमरजेंसी, हमारे अपने जो पुलिस के भाई लोगों से कहिए केवल डी में रहे, उससे आगे न जाए। मेरे भाइयों, जितने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में जो समाजवादी साथी लोग हैं, बस अभी दरोगा सरोजी बोलने के बाद मैं बोलूंगा। अभी बिल्कुल जो जहां है वहीं खड़ा रहे। देखिए आपके माइक अभी भी बज रहे हैं, माइक हॉर्न अभी खराब नहीं हुए हैं। अच्छा हमें आपको भाई, ये जो जितने खाकी वर्दी पहने वाले, ये भी हमारा आपका साथ देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी हमारा आपका साथ देंगे, इसलिए जो जहां है वैसे ही सुनिए। मैं करें फिर मैं बोलता हूँ। हे राष्ट्र के नायक, हे जननायक, हे पीडीए के नायक, मैं कैसे आपका स्वागत करूं? मैं, मेरे सामने कोई शब्द नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं है। मैं आपका इस लालगंज जनसद लोकसभा सुरक्षित से, मैं तमाम अपने आए हुए जन सैलाब और अपने तमाम समस्त वरिष्ठ नेता की तरफ से हृदय की गहराइयों से मैं आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। हे राजनायक, हे लोकप्रिय जनप्रिय सादगी के प्रतीक, मैं कुछ न कह करके मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है आपने वो करके दिखाया है। पुरानी पेंशन को लोग चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, घोषणाएं जो है सारी की सारी सरकार हटाओ और देश बचाओ। मैं आप सबसे अपील करता हूँ 25 तारीख को, 25 हो गया, अपील कर लीजिए। 25 तारीख को देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और मोदी को हटाने के लिए एक एक वोट करके समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान, साइकिल की बटन दबा देना, मोदी को देश की सबसे बड़ी कुर्सी से भगा देना, यही मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि आवें और यहाँ की आवाम को संबोधित करने की कृपा करें। उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। भारत के भविष्य पीडीए के सर्वमान्य नेता अखिलेश यादव जी के लिए एक बार और तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करना दर्ज माधव, माननीय अखिलेश यादव जी का। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर ये चुनावी जनसभा का आयोजन हो रहा है,
जितना हमारा पंडाल है, पंडाल तो हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, पीछे सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। और देखिए दूर वो लाल गमछे वाले और लाल टी शर्ट वाले हमें ही दिखा रहे हैं, वहां तक मैं देख सकता हूं। यहां ये पंडाल नहीं है, और पंडाल के बाहर तपती हुई दोपहरी में सूरज बिल्कुल आसमान के ऊपर है, सर के ऊपर है। हमारे दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी जो कुछ थोड़ा बहुत गमछा लगा करके दोपहरी बचा सकते हैं वो बचाए। 300 तक मैं जन सैलाब देख रहा हूं, और ये जन सैलाब परिवर्तन का है और बीजेपी को हटाने के लिए है। मैं जानता हूं कि बहुत दिन से हमारा आपका जोश और उत्साह और हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा दबी हुई है, लेकिन ये वोट की तारीख तक बचा के रखिए। ये जो बल्ली टूट जाएंगी तो हमारी आपकी खराब खराब निकल जाएगी, खराब न्यूज निकल जाएगी। ये जो मैं देख रहा हूं कि हाथ में संटी है, संटी हमारे कुछ साथियों के पास संटी है, ये जैसे गारंटी जो दे रहे हो उनके लिए संटी है, ये संटी से गारंटी वाले जाएंगे। मैं ऊपर भी देख रहा हूं कि जहां हमारा स्ट्रेस जुड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम साइंस स्टूडेंट हो। ये अभी हमें 5 दिखाई दे रहे हैं, अगर 7 हो गए तो 7ों के साथ नीचे आ जाएंगे। 5 तक तो ठीक हो, तुम बताना उधर काली टी शर्ट, तुम बताना ना ये भी नीचे आ जाएंगे संग में तुम्हारे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये जो जन समर्थन उत्साह जोश न केवल दरोगा सरोजी को जिताने जा रहा है, बल्कि आजमगढ़ की जनता दोनों लोकसभाओं को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। आजमगढ़ का इतिहास भी यही रहा है। मैं आपको 22 का भी धन्यवाद देता हूं, 2022 में आप सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को 10 की 10 सीटें जितवा दी थी। ये 10 सीटें जीते थे वही क्षेत्र है, और जो दूसरे दल वाले हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मैं उनके भाषण सुन रहा हूं, उनकी भाषा सुन रहा हूं। जहां पहले चरण से चुनाव शुरू हुआ था और चुनाव लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, 5वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, अब केवल 2 चरणों का चुनाव बाकी है, 6वां और 7वां। मैं ये कह सकता हूं पहले चरण से मैं चुनाव देख रहा हूं। आप देखिएगा जिस समय चुनाव 7वें चरण पर पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर दिखाई देगा। और इस बार जो कुछ भी ये अंकगणित बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूचना आ रही है, उसमें केवल 1 पे लड़ाई में है हम लोग, 1 में लड़ाई में है केवल,
वो क्यूटो और बाकी सब सीटें बीजेपी हार चुकी है। आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं पुराने जमाने वाली, और वही घिसे पिटे डायलॉग जो जनता सुनना नहीं चाहती है, जो घिसे पिटे डायलॉग बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, उन घिसे पिटे डायलॉग को कोई सुनना नहीं चाहता है। और इस बार जो जनता ने मन बनाया है, ये जो हमारे आपके पीडीए परिवार वाले लोग हैं, ये पीडीए परिवार ही एनडीए को हराने का काम करेगा इस बार। इनकी कौन सी बातें याद दिलाएं, इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली है, इनका हर वादा झूठा निकला। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो बीजेपी की ये सरकार जो 10 साल चली है लूट और झूठ के साथ चली है, और इतना लूटा इन्होंने कि इन्होंने लूट लूट करके वो जो हमें और आपको वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन वाली कंपनी से भी पैसा वसूल लिया, हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने वाले भाई लोग हैं कर्मचारी, ये भी लगाना नहीं चाहते थे, इनके भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? और ऐसा खतरा पैदा हुआ है कि वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? बता दो, बताओ कैसे वापस आ सकती है? कम से कम हम बच गए, हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी वो अगर सर्टिफिकेट देखेंगे तो बताओ सर्टिफिकेट देख करके वोट किसको डालेंगे? और सुना है जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, जो दिल्ली वाले हैं प्रधान सांसद, उन्होंने अपनी तस्वीर सर्टिफिकेट से हटवा ली है। सर्टिफिकेट से तस्वीर हट गई और बड़े बड़े शहरों में ये डबल इंजन वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई हैं। आजमगढ़ में भी लगी होंगी बड़ी बड़ी होर्डिंग दिल्ली वालों की, डबल इंजन वालों की। नहीं लग पाई है, वो जानते हैं कि दोनों सीटें सफाई जीतने वाले से नहीं लगाई, लेकिन और शहरों में देखो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन वाले, लेकिन उनका जो इंजन है वो पहले से ही गायब है, एक ही इंजन। और आपने देखा होगा आपको बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर अंदर ही अंदर, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरे में डलवाया, वही लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं, और ऐसा पीछे पड़े हैं कह रहे थे 400 पार, याद है आपको जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है।
और ये 400 पार तो हम लोग बाद में समझ में आए, ये जो 400 पार का नारा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 543 और 543 में अगर 400 पार बीजेपी कह रही है तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रही बीजेपी। 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। और इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने वादा किया था हमारे किसान भाइयों को कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाई हैं यहाँ, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसी की आय दोगुनी हो रही हो तो बताइए? ना आय दोगुनी हुई और ना ही फसल की खरीदने के लिए कोई इंतजाम किया, पैदावार की कीमत तो दूर, लेकिन इनके कार्यकाल में लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। जो हमारा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाला, वो जानता होगा खेतीबाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है और जो कर्ज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान गांव में रहने वाले लोग उनका कर्ज लाखों में है। इन्होंने लाखों का कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं, ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। जब ये 25 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीबों का तो कर्ज बहुत कम है, वो भी माफ होगा। जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया, गांव के लोग खड़े हो गए, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया और हर परीक्षा इनको रद्द करनी पड़ गई। ये नौजवान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत कर करके पढ़ाई की और जब परीक्षा लिखी इन्होंने और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान पढ़े लिखे लोग ये जानते होंगे एक परीक्षा नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए थे नौकरी नहीं दे पाई सरकार, और पेपर लीक के कारण और जो पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। यही 60 लाख इनके परिवार के मां बाप को अगर हम जोड़ दें तो सोचिए कितने हुए, 3 × 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा रद्द होने की वजह से, लोकसभा 80 से अगर हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो बताओ जिस पार्टी का
केवल नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ, नौकरी नहीं पाए, उनके माँ बाप को जोड़ करके अगर एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है तो बताओ इनकी सरकार बचेगी कैसे, लोकसभा जीतेंगे कैसे, बताओ इनका वोट कम हो गया कि नहीं हो गया। और ये नौजवान जो हमारे खेतों पे दौड़ करके और सड़कों पे दौड़ करके फौज की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, और ये जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे आप लोग, जो सड़कों पे दौड़ करके, ये पूर्वांचल के वो जिले हैं आजमगढ़ से लेकर के और पीछे तक गाजीपुर बलिया, ये वो जिले हैं जहां का नौजवान तैयारी कर करके सपना देखता था कि उसको पक्की वर्दी पहन करके देश की सीमा की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने वो पक्की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर व्यवस्था ले आए हैं, लेकिन हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे और पक्की वर्दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम नौजवानों का होगा। न केवल फौज में नौकरी बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो बीजेपी ने नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीडीए परिवार के नौजवान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए नौकरी नहीं दी। और जो पेपर लीक हुए हैं आपको जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, इसलिए 30 लाख जो दिल्ली की सरकार की नौकरी खाली है वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजवानों को होगा। आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है, हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। इसीलिए याद रखना, मनीमन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनीमन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे, क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे, क्या आपको पता था सरकारी पीएसयू सब बिक जाएंगी, क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, LIC बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा, क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी, क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी। जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये लोग कर देंगे। आप लोग ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे, दिया हुआ संविधान और संविधान मिलते हैं उसको बचाने की लड़ाई है, जो हमें उसको बचाने की जरूरत है। ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, इसलिए कभी जैसा कि समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं
और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं। इसलिए बचाओगे आप लोग, बीजेपी हटाओगे, इसने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल खाने के सामान की तो बढ़ाई बढ़ाई है। नौजवान जानते होंगे 10 साल पहले आपकी मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है, बताओ दोगुना कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके किसान भाई होंगे खाद बाजार से लिए होंगे, बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये महंगाई और बोरी की चोरी कहां से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखे ये लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट टाइर कितना बढ़ाता था और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया, अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीद ली और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी फसल में डाली जाएगी तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़कर के उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़कर के भाग गए। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं और ये भी बताने आए हैं कि याद होगा आपको राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे बीजेपी वाले और अब राशन में क्या क्या मिल रहा है। पहले से राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है, राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी। मात्रा तो खराब की है लेकिन राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनने पर हमारे गरीबों के राशन की मात्रा बढ़ेगी और जिस तरीके से संपन्न लोग बड़े शहरों में गुणवत्ता जिसकी अच्छी होती है और जो पौष्टिक पैकेट का आटा है वो भी हम समाजवादी लोग अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। गरीबों को पौष्टिक आटा इसलिए, राशन ज्यादा इसलिए कि उनके घर परिवार में भर पेट भोजन हो जाए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। डाटा के बिना हम लोग बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये नौजवान जानते होंगे ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो डाटा अगर है तो हम उसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। ये जब मोबाइल आए थे याद होगा आपको इन्होंने फ्री डाटा दिया था, लेकिन जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो डाटा का भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया है। इसलिए गरीबों को आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जानते होंगे समय समय पे
इस सरकार ने बहुत भेदभाव किया है, बहुत अन्याय किया है, बुलडोजर लेकर के डराने का काम भी किया है, झूठे मुकदमे भी लगाए हैं, और जितने काम समाजवादियों ने अच्छे किए थे कुछों की तो नकल की, लेकिन जितने भी अच्छे काम थे सब भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया। इसी जगह पर आजमगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हुआ था। जब से समाजवादियों की सरकार गई इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी खराब करवा दी। न केवल एम्बुलेंस खराब की बल्कि गरीबों का इलाज अच्छा हो जाए उसके लिए नेताजी ने यहां मेडिकल कॉलेज दिया था, जगह जगह अस्पताल बनाए थे। उन अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल कॉलेज में भी जो सुविधाएं जो मदद होनी चाहिए वो नहीं दे पा रही है। हमारे गरीब को अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गरीब के ऊपर और संकट आता जा रहा है। इसलिए जहां हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करना है वहीं अपनी हम माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, कुछ तो हमें यहां दिखाई दे रही हैं, कुछ और सभा में होंगी। कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था। हम लोग जब 2017 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में आपके बीच आए थे तो कहा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देंगे, 3,000-6,000 करने में एक काबे कहा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि दिल्ली में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में 1,00,000 रुपया भिजवाने का काम होगा। 1,00,000 इनके परिवार की मदद होगी, इनकी सम्मान का जीवन जी सकें, इसलिए 1,00,000 रुपए की मदद करने का काम भी सरकार की मदद से होगा। और अपने साथियों से कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही 4 जून के बाद ये हमारा मीडिया मंडल भी बदल जाएगा, क्योंकि इधर मीडिया मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जितना दाना उनका वैसा ही गाना, उन्हें मिल जाता है दाना तो फिर गाते हैं वो गाना। इसलिए मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा, और हमारे आपके लिए तो खुशियों के दिन आएंगे, खुशियों के दिन, लेकिन इन मीडिया वालों का 4 जून आजादी का दिन है। इसलिए सब लोग मदद करो हमारी, सब लोग मदद करोगे ये मान के चले कि आप लोग बहुत अच्छे वोटों से जिता दोगे दरोगा सरोज जी को, ये मान के चले कि आजमगढ़ अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। भी हम आपको कभी छोड़ नहीं सकते और कभी आज भी नकारात्मक है, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, इनकी हर भाषण इनका नकारात्मक है। इन्होंने हर एक को धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा ना दिया हो। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया,
और धोखा देते देते अब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए ये मौका हम लोगों को मिला है, जहां पर हर जगह बीजेपी का सफाया होता जा रहा है, हटती जा रही है बीजेपी, तो बताओ आप लोग भी हटा दोगे सब मिलकर? दरोगा सरोजी पुराने हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, इनकी मदद करोगे आप लोग? साइकिल चुनाव चिन्ह तो नहीं भूल जाओगे? साइकिल याद है आपको? और इन्होंने हमारे आपके साथ बहुत अन्याय किया है, हर स्तर पे अन्याय हुआ है, नौकरी में अन्याय हुआ है, न्याय दिलाने में अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, और जितनी भी अच्छी योजनाएं थी सब बंद कर दी, कईयों की नकल कर दी, कईयों का नाम बदल दिया। बताओ समाजवादी लोग थे इतना बड़ा लैपटॉप देते थे, वो आज भी चल रहा होगा जिसके पास होगा, इन्होंने नकल की उसकी और कह दे दिया इतना छोटा। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी बेईमान, बताओ इन्होंने सबसे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, एक एक हजार करोड़ रुपए वसूल लिए, 600 करोड़ रुपए वसूल लिए, 500 करोड़, 400 करोड़, और जिससे वैक्सीन लगवाई हमें आजकल बताओ कितनी गोली लेनी पड़ रही है? 650 एमजी की, बताओ लेनी पड़ रही कि नहीं लेनी पड़ रही? पहले 500 एमजी की गोली में बुखार ठीक होता था, और आजकल कितने में हो रहा है? 650 में। बताइए कैसी सरकार चल रही है? इसलिए सावधान रहिए सब लोग, और मदद करिए हम लोगों की, और साइकिल वालों की मदद करिए, हमारे जो पीएसयू वाले हैं और हमारे तमाम साथी हैं, यहाँ पर 69,000 वाले होंगे, शिक्षक भर्ती वाले होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, सहायक होंगे, ग्राम सहायक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तमाम हम लोग को समाधान करना है। आप लोग मौका देंगे तो समाधान करेंगे, न केवल इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि जो मिलता है आशा कार्य बहनों को, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, जो सहायक अध्यापक से लेकर के और विभाग के लोग हैं, उनकी भी मदद करेंगे, और पीएसयू आजमगढ़ का सम्मानजनक उनका वेतन बराबर कराने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए भेदभाव के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और इन भारतीय जनता पार्टी जो झूठों की पार्टी है, न केवल झूठ अपने देश में बोलते हैं, बल्कि दुनिया के नहीं सब ब्रह्मांड के सबसे झूठा दल अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं अपने अध्यक्ष जी हवलदार यादव जी से लेकर के प्रणाम यादव जी, आलमबदी संग्राम जी, विजय सरोज, कमला कांत जी, आदिल शेख साहब, श्याम बहादुर जी, शकील अहमद साहब, मैं इनके और इनके तमाम सहयोगी साथी हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए है, इसलिए ये लोग सभा के चुनाव में संविधान बचाने के लिए अपने वोट से हम लोगों की मदद करने का काम करना, इंडिया गठबंधन की मदद करना। मंच पर बैठे हुए शिवम जी, वसीम अहमद साहब, हमारी विधानसभा के सभी अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के नेता सुनील यादव जी, रोशनी यादव जी से लेकर के दीप चंद राम जी, रामकृष्ण यादव जी, वेद प्रकाश उपाध्याय जी, और बहुत सारे हमारे
समाजवादी नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूँ और ये अपने समाजवादी साथी जितने सभा में आए हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। आजकल हमारी आपकी सभा में बहुत ज़्यादा सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग हमारी मदद करो। अगर आप लोग खुद अनुशासन में रहोगे तो हमारी भी मदद मिल जाएगी। हम इन नौजवानों को भी धन्यवाद देंगे, लेकिन अच्छा किया सात नहीं हुए, यहाँ पर पांच से चार हो गए। समझदार थे, वो जानते थे सात होते ही नीचे आ जाएंगे, इसलिए पांच नहीं चार रह गए। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ और तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो लोग गारंटी लेके आए हैं वो इस बार संटी से भगाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो। पिछले पाँच साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो।